चैत्र की और अश्विनी की जो नवरात्रियाँ होती हैं इनको हमारे यहाँ संधि वेला कहते हैं। संधि वेला का मतलब है कि दो ऋतुओं का मिलन, जैसे सर्दियों का समापन और गर्मी का आगमन। उधर गर्मी का समापन और सर्दियों का आगमन, उसको हम संधि वेला कहते हैं। संधि वेला की जो दोनों ये नवरात्रियां हैं अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। इसमें जो भी उपासना की जाती है और यदि मन लगा करके की गई है, श्रद्धा के साथ की गई है, तो वो फलीभूत होती है। यदि श्रद्धा को नहीं लगाया गया है तो फिर उसके हाथ कुछ लगना है नहीं। क्यों साहब, हम 27 माला रोज़ करेंगे तब भी कुछ नहीं लगना है? हाँ, तब भी कुछ नहीं लगना है। क्यों नहीं लगना है? कि आपने अपने इष्ट के तई श्रद्धा का बीजारोपण तो किया ही नहीं, आपने श्रद्धा को नहीं लगाया, आपने अपनी निष्ठा को नहीं लगाया। माला तो ज़रूर फेरी, आपने 2.5 घंटा तो ज़रूर लगाया, लेकिन वो तो आपका निरर्थक चला गया। क्यों साहब, निरर्थक कैसे चला गया? आप और आपके इष्ट एकाकार नहीं हुए ना। आपने सब कुछ अपना अपने इष्ट के तई समर्पित कहाँ किया? आपका प्रेम कहाँ रहा इष्ट के प्रति? आपका तो न मालूम कहाँ कहाँ डाल डाल और पात पात पर फिरा। कभी घर वालों की याद आएगी, बच्चों की आएगी। बहुत दिन हो गए ऐसे नवरात्रियों का अनुष्ठान हो रहा था तो एक लड़का बोला, एक दो दिन तो रहा, तीसरे दिन बोला, माताजी मुझे तो घर की बहुत याद आ रही है। तो उन्होंने, बेटे तू अभी जा, तुरंत जा, अभी जा, तेरे दिमाग में घर वालों की याद सताई हुई है तो तू अच्छी तरह से मन लगा करके अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और जीव पर काबू नहीं है, यहाँ के प्रसाद पर विश्वास नहीं है कि हमें जो यहाँ भोजन मिल रहा है, ये हमको भोजन नहीं मिल रहा है, ये हमें प्रसाद मिल रहा है और इस प्रसाद से हमको बल मिलेगा, हमें शक्ति मिलेगी। ये न करके आप बाहर जाते हैं और बाहर कुछ खा के आते हैं। बाहर क्यों खाते हैं? जो हमने एक टाइम का भोजन आपके लिए भरपूर रखा है कि जितना आपके पेट में समा है उतना आप खा लीजिए, नहीं तो कोई फलों पर करते हैं, कोई दूध पर करते हैं, कोई काय पर करते हैं, कोई काय पर करते हैं। तुम्हारे लिए तो इतनी छूट है कि आप लोग यहाँ चौके में जो भोजन बनता है आप इसी में अपनी तृप्ति को मानिए, इसी में आप तृप्त होजिए कि हमें प्रसाद जो मिल रहा है, हमें भरपेट मिल रहा है और ये प्रसाद हमारा ज़िंदगी भर काम देगा। उसको आपने अपने मन में रखा कहाँ? आप तो बाहर गए और देखा सिख रहे हैं समोसा तो खा चलो साहब, माताजी थोड़ी देख रही हैं। यहाँ प्रत्यावर्तन था तो मेरी यहाँ एक खिड़की थी, खिड़की थी तो यहाँ पहले ऐसा था कि किसी साधक को बाहर नहीं निकलने देते थे। जितने 5 दिन का सत्र होता था तो 5 दिन उसको वहीं रहना, यहीं रहना, जो कुछ है सो यहीं चिंतन कर, मनन कर, विचार कर, अपने तई विचार करके आखिर मनुष्य का शरीर दिया है तो मनुष्य का शरीर किसी काम आवे कि नहीं आवे, बाहर नहीं जाने देते थे। मैं यहाँ से देखती रहती थी, कोई भूला भटका जो कोई बाहर मैंने देखा और मैंने चट किसी से बुलवाया और फिर उससे सवाल जवाब किए कि तू क्यों जा रहा था, क्या कारण था तू बाहर जा रहा था। जब मना ही कर दिया गया है कि आप मन जाइए, आप गंगा जी भी मन जाइए, कहीं मन जाइए, जहाँ आप बैठे हैं ये भी आपकी सब सरोवर है, ये भी आपकी गंगा जी है, गंगा जी के कुएं हैं, सब कुछ यहाँ आपके लिए मुहैया है, फिर आप क्यों भागते हैं वहाँ? वहाँ भागने से आपका क्या भला होगा? नहीं साहब, हम गंगा जी नहा आएंगे तो फिर हमारा बहुत भला हो सकता है, सारे पाप कट जाएंगे। नहीं साहब, आपका एक भी पाप दूर नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपने पाप को हटाने की कोशिश तो की नहीं और नहाने से समझ लिया कि नहाने से हमारे पाप चले जाएंगे। नहाने से कैसे पाप चले जाएंगे? नहाने के तो मछली भी उसी में रहती है,
तो माँ मछली क्यों नहीं तर जाती है? ये एक बहुत अच्छे एक गाना है, मुझे पूरा याद नहीं रहा है, पर ये आर समाज ही का है, आर समाज वालों ने ये बनाया था इसको। ने कहा कि गंगे के नहाए से का पापी नर तेरे हैं, और मीन क्यों न तेरिए जाकर जलेही में गरे। शंख के बजाए से ये क्या पापी नर तेरे हैं, तो गधा क्यों न तेरिए जाकर शंख का ससुर है, उसका तो शंख का ससुर है, वो क्यों नहीं तेरता है। इसमें भावना मिलाने की ज़रूरत है, इसमें श्रद्धा को मिलाने की ज़रूरत है। श्रद्धा यदि आपने अपने इष्ट के तई मिला दिया है तो फिर आप पा जाएंगे। कबीर ने, मीरा ने, दादू ने, अन्य भक्तों ने, जिन्होंने पाया है वो श्रद्धा के बल पर पाया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।